हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी, जिसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे। पहली बात तो हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अब जो आपके राजस्थान से कंसर्निंग एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस आने लगे हैं। दूसरी बात, आपके जो राष्ट्रीय स्तर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही हैं। दूसरी बात, जब आपके पास एक ये चीज़ तो निश्चित है कि आप इतने समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तभी आपने इस चैप्टर पर क्लिक किया है। आप इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोटी मोटी गाइड्स पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उन ऑथेंटिक बुक्स को एक बार अच्छे से स्टडी करें, उसकी एक एक लाइन की इम्पोर्टेंस को समझें। क्योंकि देखो, जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं जैसे रीट हो गया, वीडियो हो गया, पटवार हो गया, ये एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ इससे बाहर कुछ कभी आता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोटी मोटी गाइड्स उठा लेते हैं, कोचिंग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसका रिजल्टेंट क्या होता है, हम बहुत मेहनत करने के बाद भी फेलियरिटी के शिकार हो जाते हैं। और उसका केवल और केवल एक रीज़न होता है कि गाइडेंस ना मिल पाना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाना। तो सिंपल सी बात है, आपको फालतू चीज़ें बेशक पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी की बुक और उसके बाद आपकी, अगर आप राज्य स्तरीय एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा राजस्थान की जो बुक है, ये दोनों आप अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते। बहुत ही रेयर में ऐसा होता है। अभी हाल में जब रीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें 100% क्वेश्चन इसके अंदर से आए, 100% क्वेश्चन इन दोनों के बुक के अंदर क्या है, हमारा राजस्थान और एनसीईआरटी की बुक्स। तो इनको इग्नोर तो करना ही नहीं है। इसका एक एक लाइन आपके लिए शाश्वत सत्य है, वही आपको पढ़ना है, वही आपको जीना है और उसी से आपको सारे काम करने हैं। जिस दिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, हमारी इस बुक का नाम है पृथ्वी और हमारा आवास, कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यक्रम, और ये एनसीईआरटी की बुक है और आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी है आपके चैप्टर का नाम। और चलिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आकाश गंगा, उल्का पिंड, सौर मंडल, ग्रहों की स्थिति, उनका परिक्रमण काल, घूर्णन काल और ऐसे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो डेली लाइफ में आप सुनते हैं बट उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उन्हीं से जब क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं तो हमें वो पता ही नहीं चलता। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर के बारे में। सूर्यास्त के समय बाद, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु ही दिखते हैं लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है तथा 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात क्या कहलाती है, अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है
खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने पॉइंट देखे। देखो, एक तो है पूर्णिमा। पूर्णिमा हम जानते हैं, पूरे चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जहां बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखा था उसको अमावस्या कहते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो क्या है? नए चंद्रमा की रात। नए चंद्रमा की रात, ये क्या है? नए चंद्रमा की जो रात होती है वो क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हिंदी मास की बात करते हैं तो वहां पर ये हमें पता होना चाहिए कि नए चंद्रमा मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो मास कहाँ से शुरू होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। और सामान्य बोलचाल में हमें पूर्णिमा पता है, अमावस्या पता है, लेकिन ये नहीं पता होता सामान्य तौर पर कि नए चंद्रमा की रात किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। और जब आप बड़े एग्जाम्स देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमें समझने में इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं, तो हमें किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा, खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। अब वो चमकती हैं चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे कोई उल्का पिंड ही क्यों ना हो, चाहे कोई तारा हो, कोई भी हो, वो सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं। लेकिन खगोलीय पिंडों में भी तो विभिन्नता होती है। तो वो खगोलीय पिंड जो ऊष्मा तथा प्रकाश रखते हैं, जो स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश रखते हैं, ठीक है। देखो, बहुत अब अगर आपको चंद्रमा से खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो प्रकाश तो उस पर भी दिखाई देगा, चमकती तो वो भी दिखाई देगी, लेकिन क्या उसके पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं, वो आपके सूर्य से प्रकाश लेकर चमक रही है। इसी तरह चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्या उसके पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं, वो भी सूर्य से प्रकाश लेकर चमक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा खगोलीय पिंड जो स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश रखता है वो क्या कहलाता है? वो तारा कहलाता है। और हमारे सौरमंडल में जो तारा है उसको क्या कहते हैं? सूर्य के नाम से हम जानते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, वो किससे बना है? वो आपका गैसों से बना हुआ है। क्या प्लेनेट्स भी ऐसे हो सकते हैं? ग्रह ऐसे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस छोटे से डायग्राम की। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये आपका एक तारा है। इस तरीके से ये टोटल मिलाकर 7 तारे हैं, है ना? और ये 7 तारे आप बचपन से देखते आ रहे होंगे। ये क्या है? ये आपका सप्तऋषि मंडल है। ये क्या है आपका? ये सप्तऋषि मंडल है, ठीक है। सप्तऋषि मंडल जो है ये अर्सा मेजर या बिग बियर बोलते हैं इसको, उसका भाग भी है। और ये आपका क्या है? ये आपका ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा इसको ये शो कर रहा है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है और ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। देखो, जब बड़े बुजुर्ग थे आपके तो वो क्या करते थे कि दिन के समय तो सूर्य से अपनी दिशा का पता कर लेते थे, लेकिन रात के समय, उस वक्त पैदल यात्राएं करते थे लोग, तो रात्रि के समय दिशाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि उस वक्त नहीं तो पक्की सड़कें हुआ करती थी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हुआ करती थी। इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तब दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? रात के में जो आसमान में जो तारे दिखाई देते थे उनको देखकर दिशा का निर्धारण कर लिया जाता था। देखो, सप्तऋषि मंडल के जो आखिरी 2 तारे हैं उससे एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो सबसे चमकते हुए तारे की तरफ जाती है, यानी ध्रुव तारे की तरफ। और ये किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। तो इससे पता चल जाता था कि उत्तर दिशा किस तरफ है। इसी तरीके से इस तरह रात में तारों को देखकर दिशा का निर्धारण किया जाता था। तो आपने 2 चीज देखी, ये 7 तारों का समूह क्या है? आपका सप्तऋषि मंडल है, ठीक है। सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा से हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ये सप्तऋषि मंडल जो है ये है क्या? ये 7 तारों का समूह है। और इसी तरह जो बड़े बड़े तारों के समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक अर्सा मेजर जो है वो बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है, जिसका एक छोटा सा भाग है सप्तऋषि मंडल। चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या है।
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा विमान कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। विभिन्न तारों के समूह क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसे सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत। यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अरसा मेजर का भाग है। आपने परिवार पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। देखो, उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा को बताता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो देखा आपने, नक्षत्र मंडल के बारे में हमने बात की थी, तो नक्षत्र मंडल आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी थी? उसके बाद हमने बात की थी अरसा मेजर। ये भी एक प्रकार है, मतलब एक नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है अरसा मेजर, जिसको हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक छोटा सा भाग है सप्तऋषि मंडल, है ना, जिसको सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत, संतों का, सात संतों का एक समूह बोलते हैं। अरसा मेजर का ये भाग है, ये हम देख चुके हैं, सप्तऋषि मंडल। फिर हमने देखा उत्तरी तारा, जिसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा में ही निर्दिष्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। चलिए आगे पढ़ें। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। यह हम देख चुके हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य के अंदर देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमने देखा, देखो हम ध्रुव तारा वगैरह इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बात करते हैं प्लेनेट की। तो प्लेनेट जो है, यानी ग्रह जो है, ग्रह में तीन सब आप तीन चीजें तो उत्पत्ति की बात करते हैं। पहली बात तो ग्रह होते क्या हैं? जिनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, है ना। ये किससे लेते हैं? अपने स्टार से, जिस भी स्टार के चक्कर लगा रहे होते हैं उससे ये ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं। उनका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। दूसरी बात, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो आपके प्लेनेटाई वर्ड से हुई है, प्लेनेटाई, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। तो प्लेनेट किससे बना है? प्लेनेटाई। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लेनेटाई जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ये इसका अर्थ क्या होगा? प्लेनेटाई का
ओर घूमने वाला या परिभ्रमक, है ना। तो ये आपने समझ में आया प्लेनेटाई ग्रह के बारे में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट बात। एक तो उसका ऊष्मा प्रकाश नहीं होता खुद का, दूसरा वो जो ग्रह शब्द है एक्चुअल में इंग्लिश में इसको प्लेनेट बोलते हैं, वो प्लेनेट जो वर्ड है वो प्लेनेटाई जो ग्रीक भाषा का शब्द है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है चारों ओर घूमने वाला या परिभ्रमक। फिर एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि बृहस्पति शनि और यूरेनस, देखो टोटल आपके पास कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, 8 ग्रह हैं, है ना। और 8 ग्रह में से ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छोटे छोटे, चारों ओर बहुत छोटे छोटे जो पिंड हैं उनसे मिलकर इनके चारों तरफ छल्ले बनते हैं। तो बृहस्पति शनि और यूरेनस है जिनके चारों ओर छल्ले देखने को मिलते हैं। इनको आप कैसे देख सकते हैं, शक्तिशाली दूरबीन से इनको देखा जा सकता है पृथ्वी से, सामान्य तौर पे ये नहीं दिखाई देते। आगे देखते हैं, बात करते हैं छोटे से डायग्राम की, और इस डायग्राम में आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है आपका सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ ये प्लैनेट्स हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसमें जो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, वो आपका बुध है जिसको मरकरी भी कहते हैं, दूसरे नंबर पे आपका वीनस है, शुक्र जिसे कहते हैं, और तीसरे नंबर का ग्रह आपका पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, चौथे नंबर पे आपका मंगल है जिसको मार्स भी कहते हैं। तो ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे, अब आपको पता है ग्रह जो हैं वो तारे के चक्कर लगाते हैं, ग्रह क्या है तारे के चक्कर लगाते हैं, और तारे के चक्कर लगाएंगे तो जैसे जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिक्रमा का जो पथ है, जो इनकी एक कक्षा है, ये बढ़ती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, और बड़ी होती चली जाएगी तो समय भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता हुआ क्रम है इनका, वैसे वैसे ही इनका परिक्रमण काल जो है वो तो बढ़ता चला जाएगा समय के हिसाब से। आपको पता है आपकी पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो आपका परिक्रमण काल पृथ्वी का आपको अच्छे से पता है, और वो है 1 वर्ष। वो क्या है आपका, 1 वर्ष का परिक्रमण काल है, ठीक है। और अब बात करें कि ये जो 4 ग्रह हैं कौन कौन से, आपका शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और बुध हो गया। ये 4 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 प्लेनेट हैं ये ही ऐसे हैं जिनके ऊपर सॉलिड सरफेस है। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्लेनेट है ये, और अगर आप यहाँ से कोई प्लेन लेके आ गए जो कि बहुत पावरफुल प्लेन है आपका, कहीं पे भी उतर सकता है ऐसा मान लेते हैं, वैसे ऐसा अभी तक हुआ नहीं है बट ऐसा मान लेते हैं वो कहीं पे भी उतर सकता है, लेकिन जब आप इन 4 ग्रहों पे लैंड करेंगे तो हाँ आप उतर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपके बाह्य ग्रह हुए, कौन कौन से, आपका जुपिटर हो गया ठीक है, या फिर आपका सैटर्न हो गया, या फिर आपका यूरेनस हो गया, या फिर आपका नेपच्यून हो गया, या फिर आपका सूरज हो गया ठीक है, या फिर आपका सूरज हो गया, तो ये ऐसे ग्रह हैं या ऐसे तारे हैं जो गैसों से बने हैं। किससे बने हैं, गैसों से निर्मित हैं। जब गैसों से निर्मित हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, सॉलिड सरफेस तो हो ही नहीं सकती, और सॉलिड सरफेस नहीं हो सकती तो आपका प्लेन आर पार हो जाएगा और आप उस पर कभी लैंड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर सॉलिड सरफेस नहीं है। तो आपको समझ में आया जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बच्चों कि इनके ऊपर, किस किस के ऊपर, आपके बृहस्पति के ऊपर, आपके सैटर्न के ऊपर, आपके यूरेनस के ऊपर, आप इनके ऊपर और आपके नेपच्यून के ऊपर, इन पे सॉलिड सरफेस ही नहीं है, इसके ऊपर क्या है सॉलिड सरफेस ही नहीं है। और ये आपको पता है, याद भी होगा आपको, बृहस्पति, यूरेनस और शनि, इन 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर गोल छल्ले पाए जाते हैं। जैसे कि शनि में तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस में भी चारों तरफ छल्ले देखने को मिलते हैं। तो ये जो बाह्य ग्रह हैं और आंतरिक ग्रह हैं, इसके बीच में एक नेचुरली एक विभाजक के तौर पे काम कर रहा है, और वो क्या है, शुद्ध ग्रह पट्टी। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं जो कि साथ की साथ हमारे जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, और ये शुद्ध ग्रह पट्टी कहलाती है। और इस शुद्ध ग्रह पट्टी में क्वेश्चन क्या आता है बेटा, वो ये आता है कि ये
किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये मंगल और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपकी ये स्थित है, शुद्ध ग्रह पट्टी। ठीक है, सबसे छोटा परिक्रमण काल किसका होगा इस कंडीशन में? बुध का होगा। सबसे बड़ा किसका होगा? नेपच्यून का होगा। अब क्या पृथ्वी एक ही प्रकार की, या जो ग्रह होते हैं वो क्या एक ही प्रकार की गति करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए हम, ये एक सेव है, ठीक है, और सेव में मैं एक बीच में एक इस तरीके से एरो डाल देता हूं और मैं इस एरो के चारों तरफ इसको घुमाता हूं। किसको? सेव को। सेव को जब मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा? इसके चारों तरफ ये इस तरीके से हमें घुमाया, तो ये क्या होगा बेटा? ये घूमता रहेगा। और इसको क्या कहेंगे? मैं पूछूं कि कैसे घुमा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ये अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आपको बॉल के अंदर किसी सींक को पोदो और फिर उसके चारों तरफ उसको गोल गोल घुमाओ, तो इसको क्या कहेंगे? अपने अक्ष पर घूमना। और ऐसा ही हर एक प्लेनेट अपनी अपने अक्ष पर घूमता है। देखो, एक तो हो गया परिक्रमा करता है सूरज के अपने तारे के चारों तरफ, एक अपने ही अक्ष पे घूमता भी है साथ में, अपने ही अक्ष पे। अब जैसे बृहस्पति है तो ये अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमेगा भी और साथ में इस तरीके से चलेगा भी। तो जो अपने अक्ष पर जो घूमने की जो गति होती है, तो हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो गति है वो 24 घंटे यानी एक दिन की है ना, एक दिन की है। और इसी की वजह से हमारे दिन रात होते हैं, इसी की वजह से हमारे क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई, परिक्रमण काल और घूर्णन काल में कितना डिफरेंस है? परिक्रमण काल यानी तारों के चारों तरफ घूमना, और घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सूर्य के जो बुध का परिक्रमण काल, अब आप परिक्रमण काल से अच्छे से परिचित हैं, तो ये कितने दिन में परिक्रमा करता है सूरज की? बुध जो है वो 88 दिन में कर लेता है, शुक्र आपका 255 दिन में करता है, पृथ्वी आपके 365 दिन में करती है जिसको हम 1 साल के नाम से जानते हैं, मंगल 687 दिन में करता है। जैसे देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है सूरज से, वैसे वैसे समय भी बढ़ता जा रहा है। सूरज लगभग 12 साल में जाके एक परिक्रमा करता है, लगभग 12 साल में। ठीक है, शनि इसी काम को 29 साल और 5 महीने में जाके कर पाता है, यूरेनस तो 84 साल लगा देता है, यानी सामान्य ह्यूमन की एक लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। और सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण करने में नेपच्यून को तो 164 साल लग जाते हैं, यानी लगभग लगभग आपकी यूरेनस के डबल हो जाते हैं। तो आपने देखें, जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे परिक्रमण काल बढ़ता गया। इसके बाद बात करें आपके घूर्णन काल की, तो घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना। बुध 59 डेज यानी 59 दिन में पूरा कर लेता है, शुक्र 243 दिन में पूरा कर पाता है, जबकि पृथ्वी पृथ्वी एक दिन यानी 24 घंटे में पूरा करते हैं अपने एक चक्कर को, अपने घूर्णन को, है ना। मंगल भी एक दिन ही लगाता है। बृहस्पति इस घूर्णन काल में 9 घंटे और 56 मिनट का समय देता है केवल, इतने समय में ही वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और शनि भी काफी बड़ा ग्रह है, ये भी कितना टाइम लगाता है? 10 घंटे और 40 मिनट में अपना एक घूर्णन काल पूरा कर लेता है। यूरेनस की बात करें तो इसका जो घूर्णन काल है वो 17 घंटे और 14 मिनट का है, और बात करें आपके नेपच्यून की तो वो 16 घंटे और 7 मिनट का है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात बचती है वो है आपके चंद्रमाओं की संख्या। तो चंद्रमाओं की संख्या की बात करें तो देखो, बुध सबसे नजदीक ग्रह है, तो इसका तो कोई किसके नजदीक ग्रह है? सूर्य के, तो उसका ग्रेविटेशन चार्ज इतना ज्यादा होने की वजह से उसका तो कोई सब प्लेनेट यानी उपग्रह है ही नहीं, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के उपग्रह को हम जानते हैं, चंद्रमा एक इकलौता जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, मंगल के पास अपने दो चंद्रमा यानी दो उपग्रह हैं। इसी तरह बृहस्पति और शनि की बात करें तो इसमें 53 53 लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत सारे चंद्रमा ढूंढे जा चुके हैं और लगातार अभी भी देखने को मिलते जा रहे हैं, है ना। चंद्रमा की संख्या यूरेनस की बात करें तो इस पर भी अभी तक 27 27 27 चंद्रमा देखे जा चुके हैं, और नेपच्यून के ऊपर भी
सामान्य तौर पर 13 चंद्रमा देखे जा चुके हैं। तो देखो, जो बाह्य ग्रह हैं सामान्य तौर पर इनके उपग्रहों की संख्या कभी नहीं पूछी जाती। उसके पीछे कारण ये है कि अभी भी इनके ऊपर खोज लगातार चल रही है और दिन पे दिन इनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन या फिर हर कुछ समय बाद कुछ ना कुछ नए ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि और भी सब प्लेनेट्स, और भी उपग्रह इसमें होने की संभावना है। तो इस वजह से कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जिनके क्वेश्चंस के आंसर कभी भी एग्जैक्टली सही नहीं हो। लेकिन जब मंगल की बात करें, पृथ्वी की बात करें, बुध शुक्र की बात करें, तो यहाँ के बारे में हमें चंद्रमाओं की संख्या बिल्कुल स्पष्ट है। मंगल के पास आपके दो हैं, पृथ्वी के पास एक है, और शुक्र और बुध के पास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की बात कर रहे थे, हमने अभी उसमें बारे में चर्चा भी की थी, तो बस इसको देख लेते हैं। सूर्य के बहुत नजदीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं, ये हमने देखा था। सूर्य से बहुत दूर हैं बाह्य ग्रह और बहुत बड़े आकार के हैं, तथा ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक कठिन शब्दों को लिखें। अच्छा, आगे देखते हैं, एक बार शब्द की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए दिए गए शब्द होते हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी, तथा ग्राफिया शब्द का अर्थ क्या है? लिखना। ठीक है, इसी प्रकार जो है तीन शब्द और दिए गए हैं, और ये कौन कौन से हैं? जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, और जियोइड्स यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पृथ्वी के आकार के अनुरूप कहा गया है। प्रॉपर्टी सेम हो ना हो, लेकिन आकार सेम हो। और पृथ्वी का आकार कैसा है? देखो, पृथ्वी का आकार कंप्लीटली ओवल नहीं है, ठीक है, एक्लिप्स भी नहीं है, ये कैसा है? ऐसा नहीं है, बल्कि इसके जो ऊपरी जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये चपटा है। ये कैसा है? ये चपटा है, और इसी वजह से ये वाला हिस्सा जो है वो चपटा है, ध्रुवीय हिस्सा, और इसी वजह से इसको हल्का सा चपटा, ये पूरी तरह गोल नहीं है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? जियोइड, यानी पृथ्वी जैसी आकृति जिसकी होती है वो क्या कहलाता है? जियोइड कहलाता है। तो आपने समझ लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, ठीक है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल के बारे में बात करते हैं, तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो इसमें हमने सभी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, और हम जानते हैं चंद्रमा जो है सूर्य के चारों, सूर्य के साथ साथ आपकी पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम उपग्रह कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी के समान आपको पता है सात अन्य ग्रह भी देखे हमने अभी अभी, और जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और किसी के पास अपने उपग्रह बहुत ज्यादा हैं और किसी के पास बिल्कुल नहीं भी हैं। जैसे कि आपका बुध और शुक्र कैसे हैं? जिनके पास एक भी अपना चंद्रमा नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखें, सूर्य की बात करें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब बात करें ग्रहों के बारे में, तो ग्रह कितने हैं आपको पता है? 8 हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कौन कौन से हैं? बुध पहला है, शुक्र दूसरा, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा। ये चारों क्या हैं? आंतरिक ग्रह। फिर 5वें नंबर पर बृहस्पति आता है, 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर यूरेनस और 8वें नंबर पर नेपच्यून। एनसीईआरटी में दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका इसने दिया है, एक छोटी सा न्यूमेनिक्स दिया हुआ है, उसको आप याद रखेंगे। माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एम से क्या हुआ आपका? मार्स, सॉरी मरकरी। ठीक है, एम से क्या हुआ आपका? मरकरी हो गया। वी से वीनस यानी शुक्र हो गया। ई से अर्थ आपका हो गया, ये आपका मार्स हो गया यानी मंगल हो गया। जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न आपका शनि हो गया, यूरेनस आपका अरुण हो गया और नेपच्यून आपका वरुण हो गया। तो माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखें। क्या आप जानते हैं रात्रि में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहते हैं और आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि जब सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर हम क्या सोचते हैं, सूरज सेंटर में है। ठीक है, सूरज आपका सेंटर में है तो उसके जब चारों तरफ चक्कर लगाएंगे ग्रह तो गोल गोल लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चक्कर कैसा लगाते हैं? वो आपका एक्लिप्स यानी दीर्घवृत्ताकार फॉर्मेट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार फॉर्मेट में चक्कर लगाते हैं, ओवल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, ये वृत्ताकार फॉर्मेट में नहीं लगाते हैं, बल्कि एक्लिप्स फॉर्मेट में या दीर्घवृत्ताकार फॉर्मेट में ये लगाते हैं। और इनको कहते क्या है, इनकी कक्षा को इनको हम कहते हैं कक्षा। ठीक है, इस प्रक्रमण पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 की बैठक में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब बात करें तो वैसे तो प्लूटो के बारे में आप निश्चित रूप से जानकारी रखते हैं। देखो, प्लूटो की सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जो आपका जो लास्ट ग्रह था कौन सा था? आपका वरुण था, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं, है ना। तो नेपच्यून के जो रास्ता था, उसकी जो कक्षा थी, बार बार उससे वो टकराता रहता था, बार बार वो जो रास्ते को क्रॉस करता है। तो वो पता नहीं वरुण की और प्लूटो की कितनी ही टक्कर हो चुके हैं और इसी वजह से प्लूटो का जो आकार है वो गोल फॉर्मेट में रहा ही नहीं है। वो गोल है ही नहीं, बल्कि वो चारों तरफ से ठुक पिट के अलग ही शेप में तैयार हो गया है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ऐसे जो ग्रहों के जो सामान्य जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं करते और आकार में भी काफ़ी ये छोटा था, तो इस वजह से इसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। और 2003 यूबी 313 सिरस ये भी क्या है? बौने ग्रह के फॉर्मेट में जाने जाते हैं। तो आपके तीन एग्जाम्पल हो गए,
आपके एक तो 2003 यूबी 313 हो गया, एक आपका सिरस हो गया और एक आपका प्लूटो। ये तीनों क्या हैं? आपके बौने ग्रह कहे जाते हैं। फिर इसमें एक बात आती है कि किसने डिसाइड किया, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने ये डिसाइड किया था। कब किया था? अगस्त 2006 की बैठक में ये काम किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यह हमें पता है, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार में सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका जुपिटर है, यानी बृहस्पति। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी जो है आपकी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, और यही कारण है कि इसके आकार को भूआब यानी जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है, भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जियोइड यानी भूआब का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं वाले फैक्ट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। क्यों? क्योंकि देखो आपकी पृथ्वी की जो दूरी है वो करीबन कितनी है? वो आपकी पृथ्वी की जो दूरी है आपकी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और आपकी जो प्रकाश की गति है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो भाई इतना समय तो लगेगा ना, कम से कम 8 मिनट तो लगने ही है जब इतनी दूरी तय होनी है। तो इसी वजह से जब सूरज से कोई रोशनी चलती है तो वो पृथ्वी तक आने में लगभग लगभग 8 मिनट का समय ले लेती है, क्योंकि प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूसरा, हमारी पृथ्वी को आकार कैसा है? जियोइड आकार है। जियोइड आकार का मतलब क्या है? पृथ्वी हमारी पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि ध्रुवों के पास से चपटी है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? जियोइड यानी भूआब कहते हैं। और इसी वजह से भूआब का अभिप्राय क्या है? पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। और इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर बहुत दो तिहाई मात्रा में पानी स्थित है, तो अंतरिक्ष से ये सामान्य तौर पर नीले ग्रह के तौर पर देखने को मिलता है। नीली आभा में ये देखने को मिलता है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखें। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सूर्य कितना दूर है? आपका 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और आपका जो चंद्रमा है वो कितनी दूर है? वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उपग्रह की बात करें तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात करें मानव निर्मित उपग्रह के बारे में तो एक कृत्रिम पिंड यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया। ये सब क्या है? ये मानव निर्मित उपग्रहों का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखें।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, यानी 27 दिन में पूरा करता है। यानी पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा, 27 दिन में लगाएगा, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। अक्ष पर चक्कर लगाने का मतलब क्या है, घूर्णन काल और परिक्रमण काल। यानी बात क्या हुई कि आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है और घूर्णन काल है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों समान होते हैं। और यही कारण है कि हमें पृथ्वी से हमेशा बचपन से हम देखते आ रहे हैं, चंद्रमा पर एक जैसी ही आकृतियां हमें दिखाई देती हैं। उसका कारण यह है कि हम जीवन पर्यंत एक ही हिस्सा चंद्रमा का देख पाते हैं। तो चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। बात करें शुद्ध ग्रह की, तो शुद्ध ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, तो आप समझ गए शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, कि असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये शुद्ध ग्रह पट्टिका आपकी कहाँ मिलती है, वो आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलती है। जब हमने सौरमंडल का डायग्राम देखा था तो हमने वहां पर उसके बारे में बात भी की थी। अब बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी पे इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो देखो, बचपन से हम देखते आ रहे हैं तारा टूटना, विष मांगना, ऐसी बातें अक्सर हम बच्चों के बीच में सुनने को मिलती हैं। तो ये जो तारे टूटते हुए हम देखें, ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ये उल्का पिंड होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो स्पेस से आते हैं और जैसे ही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उससे वो घर्षण के कारण जलने लगते हैं। और कई बार वो पूरी तरह नहीं जलते तो पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं, और गिर जाते हैं तो वहाँ अब इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो धरातल पर सामान्य तौर पर गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उल्का पिंड है। आगे देखते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी क्या कहलाती है, आकाश गंगा कहलाती है। यहाँ लाखों करोड़ों तारे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये पूरा जो डायग्राम है, ये जो लाइट आपका प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लाखों करोड़ों तारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे असंख्य सौरमंडल अपने जैसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे बादल हैं, गैस हैं, तो ये सब क्या है, ये आकाश गंगा को जन्म देता है। और इसी आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सौरमंडल। चलिए आगे देखते हैं, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऐसी लाखों करोड़ों जो आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें बनाया हुआ है एक इंसान को। उसके बाद जो है पृथ्वी पे हम निवास करते हैं, पृथ्वी किसके अंदर है, सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। और आकाश गंगा का हिस्सा क्या है, सौरमंडल है ना। और ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं किसमें पाई जाती है, ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा में सौरमंडल है,
सौर मंडल में पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एक छोटा सा ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो हमें पता है ग्रह क्या होता है, उसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों के पास होता है ना। तो इसमें चीज इंपॉर्टेंट क्या हो गई? ऊष्मा और प्रकाश। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है, देखो शब्द यहाँ पे बहुत मायने रखता है, खगोलीय पिंड। मैंने नहीं कहा ग्रह, मैंने नहीं कहा उपग्रह, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने ही खगोलीय पिंड सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, तो मैंने एक संक्षिप्त टेक्निकल शब्द का उपयोग किया, खगोलीय पिंड। तो सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड जो है वो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर, एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नस्ट, जस्ट सर्व्ड अस नट। देखो यहाँ पे एम से मरकरी बुध हो गया, वी से वीनस शुक्र हो गया, ई से अर्थ पृथ्वी हो गया, एम से मदर ये आपका मार्स हो गया, जे से जुपिटर हो गया यानी बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी शनि, यू से यूरेनस यानी अरुण और एन से नेपच्यून यानी वरुण। तो ये सभी ग्रह आपको याद हो गए होंगे। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसका घूर्णन काल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और परिक्रमण काल, ये दोनों की दोनों समान होते हैं, और इसी वजह से ये कितने होते हैं? 27 दिन के लगभग के होते हैं, और इसी वजह से बचपन से जो आकृतियां हमें चंद्रमा में दिखाई दे रही हैं वो आज भी दिखाई दे रही हैं, है ना। और इस क्योंकि क्योंकि हमें एक ही भाग इसका दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान होने के कारण, जो कि 27 दिन का है। ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में तो साइंटिस्ट भी नहीं जानते, तो हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन हम कह सकते हैं कि असंख्य आकाश गंगाओं का समूह है, आकाश गंगाओं का और अन्य खगोल पिंडों का एक समूह है जिसको हम ब्रह्मांड के तौर पे मानते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह का नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी इसका तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इस पे हमने चर्चा करी थी और दीर्घ वृत्ताकार चक्र चक्कर के बारे में हमने बात की थी। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, रात्रि। शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। खाली स्थान भी भर लेते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न, अच्छा ये है तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली जिसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें असंख्य तारे स्थित होते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है तारा? क्वेश्चन है अधूरा। यह है सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं वो हमारी पृथ्वी ही है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, इसी वजह से तो वो ग्रह होते हैं। अगर होता तो वो तारे कहलाते हैं ना। तो इसके साथ आपका होता है ये चैप्टर समाप्त। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लगातार बने रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बीच में हम अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं कि कल कर लेंगे, छोटा सा ही तो है। और ये देखो हमारे जो चैनल है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने कभी लोगों को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक नीचे एक वर्ड लिखा रहता है, बी रेगुलर।
ये जो रेगुलरिटी है ना, ये अपने आप में तपस्या है, और जो इस तपस्या को साध लेता है ना बेटा, वो जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो ये रेगुलरिटी आप एक बार अपना लीजिए, आपको जिंदगी में कहीं भी किसी भी चीज में अपना लीजिए, कहीं भी कभी भी आप असफल हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। तो आपको रेगुलर रहना है, कंटिन्यूसली वर्क करना है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, चाहे वो एग्जाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।